संकरगढ़ क्षेत्र में वॉशिंग प्लांट बंद होने से मजदूर भुखमरी की कगार पर। मजदूर किसान मोर्चा पाठा क्षेत्र द्वारा विशाल किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन, हजारों खनन मजदूर हुए शामिल। इन दिनों संकरगढ़ पाठा क्षेत्र में खनन कार्य बंद हो जाने से हजारों मजदूर और क्षेत्रीय जनता भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है, जिसे लेकर खनन मजदूर और क्षेत्रीय जनता द्वारा रामेश्वरम वाटिका संकरगढ़ में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा वॉशिंग प्लांटों को बंद हो जाने का रहा। आपको बताते चले कि पिछले लगभग 8 वर्ष पूर्व यहां गिट्टी पत्थर का खनन कार्य हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकार द्वारा बंद करा दिया गया था, जिसे यहां की 70% मजदूर पलायन कर गए थे। लेकिन थोड़ा काम सिल्का सैंड का बचा था, वो भी सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद करा दिया गया, जिससे आज इन मजदूरों के बीच भुखमरी की स्थिति खड़ी हो गई है। बारा क्षेत्र का शंकरगढ़ का इलाका ज्यादातर पहाड़ी और पठारी है। यहाँ का मुख्य साधन खनन कार्य ही है, जो कि कुटीर उद्योग जैसा था। इस क्षेत्र के सभी लोग इसी कार्य से जुड़े हुए थे, लेकिन इस काम के बंद हो जाने से सभी के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे मुख्य रूप से शशांकधर द्विवेदी, शेर सिंह, विजय बहादुर सिंह, हंसराज कोल, रमेश मिश्रा, पद्माकर सिंह, दिवाकर सिंह, भैयन अली, मिश्रा लाल चौबे, हंसराज कोल, पप्पू आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज शंकरगढ़ से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। इससे क्षेत्र में और गरीब तबके के लोगों में क्या प्रभाव पड़ा है? बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा और बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे क्षेत्र लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, या तो हत्या कर लेंगे, जिसके पास नोटिस गई वो आत्महत्या के लिए। कुछ तो बेचारे गरीब सोच रात दिन इसी में सोच रहे हैं, परिवार का एक दहशत, शिक्षा और पैसे शिक्षा में देने के लोगों को फीस उसी में दहशत पड़े हुए हैं। कभी न किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ न कुछ तो घटना हो ही जाएगी। अभी तक मतलब ऐसा, जैसे आज करीब 20 दिनों से काम बंद है, तो अब तो इस जैसे ये भाग रहा है, शिक्षा में लड़के भाग रहे हैं, कोई फीस नहीं दे पा रहा है, प्रॉब्लम तो दिन का दिन बढ़ती जा रही है ना। अभी तो 10 दिन हुआ है, 2 महीना 15 दिन में क्या होगा, बाकी देखा जाए। उद्देश्य था कि संगठित किया जाए, जो हमारा ये पाठा क्षेत्र है, जिसके साथ घोर अन्याय हो रहा है, हमारे मजदूरों और किसानों के ऊपर, जिन्होंने 50-50, 30-30 हज़ार की बात चल रही, आज चल भी नहीं रही थी, 12-10 साल से बंद है, और उन चरहियों के ऊपर 7-7 लाख जुर्माना कर दिया गया, उसका विरोध करना, साथ में हमारे क्षेत्र में ज़बरदस्ती वहाँ पैसा नहीं दिया जाता। आप ये मान लीजिए कि पूरे क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब हो गई है, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वो बच्चे आ गए हैं, पता नहीं कितने लोगों की किस्तें बाकी हैं, सबके ट्रैक्टर खींच जाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में एकदम पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर।